के आगरा गेट पर व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज का काम चल रहा है जो कि अधूरा है, जबकि काम शुरू करने से पहले दीपावली से पहले पूरा करने का आश्वासन उन्हें दिया था, लेकिन अब दीपावली का पर्व नजदीक है और हालात ये हो गए हैं कि इलाके में धूल मिट्टी से लोग परेशान है। साथ ही सीवरेज के गड्ढे नहीं भरने से इलाके में गंदगी फैल रही है। ऐसे में लोगों ने जल्द ही समस्याओं के निराकरण करने की मांग की। जब हमारे यहाँ सीवरेज का काम शुरू किया आज के लगभग 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि दीपावली के 5 दिन पहले आपके रोड वगैरह सब वापस रिपेयर हो जाएगा। थोड़ा नीचे कर, ठेकेदार ने नीचे कर, आधा रोड भी नीचे कर रहे, पहुँचते और छोड़ दिया और सारा अपना माल मटेरियल लेके वापस चला गया। उसका यह कहना है कि निगम ने हमें पैसा नहीं दिया। पैसा किसको क्या दिया क्या नहीं दिया इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें तो इसलिए हमारा क्षेत्र का जो सड़क का कार्य है उन्होंने आधा अधूरा छोड़ दिया है, खोदकर सड़क को रहने लायक नहीं छोड़ा है। स्मार्ट सिटी को लेके जो सीवरेज लाइन डाली जा रही थी वो तो पिछले 1-1.5 महीने से खुदाई का काम खुदाई चल रही है, जिससे पूरे वार्ड में मिट्टी 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 हो रही है। अब ये सीवरेज डालने के बाद वो उस खड्डों को भर के नहीं गया। अब वो कह रहा है दिवाली बाद खड्डों को भरेंगे, जबकि पहले बात ये हुई थी कि सारे खड्डे और सीवरेज का जो भी काम है दिवाली पहले कम्प्लीट हो जाएगा।